Assalamu alaikum students, let's have a start. This is a functional English class. हमने इसमें verb में देखा था कि verb की वजह से ही tense बनता है और कुछ को हम verb के साथ जब बात करते हो हम कहते हैं कि ये verb तीन tenses show करता है और four aspects हैं उसके, four जो हमने पहले study किए, जिसमें इनडेफिनेट एस्पेक्ट है जैसे सिंपल भी कहते हैं, फिर प्रोग्रेसिव है, फिर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये एस्पेक्ट्स हैं चार, टेंसेस वही तीन हैं बेसिकली जिसे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं हम। तो मिला के ये एस्पेक्ट्स के साथ 12 टेंसेस बन जाते हैं। अब ये देखना है कि टेंसेस, यहाँ से टेंसेस आर यूज टू डिस्क्राइब व्हेन द एक्शन और स्टेट अकर्स और अकर्ड। जब हमने ये बताना है कि डूइंग या बीइंग कब वो होती है या कब हुई, यानी पास्ट प्रेजेंट या कब होगा ये एक्शन, इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये टेंसेस की वजह से ही पता चलता है, बाकी कोई चीज ये बता नहीं सकती। एस्पेक्ट इज अबाउट वेदर एक्शंस और स्टेट्स आर कंप्लीटेड और कंटिन्यूइंग। एस्पेक्ट ने यह बताना होता है कि कोई एक्शन या स्टेट वो कंप्लीट हुआ या जारी है, ये बात उसने बतानी है। फिर परफेक्ट टेंसेस शो दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड, प्रोग्रेसिव टेंसेस शो ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी। परफेक्ट टेंसेस ने ये बताना है कि एक्शन कंप्लीट हो गया और प्रोग्रेसिव ने ये बताना है कि किसी काम की ड्यूरेशन, कि कितनी देर को काम होता रहा या अभी भी जारी है, इस सारी चीजें इसमें पाई जाएंगी। The progressive aspect is also described as imperfect or continuous. और इसको हम progressive aspect को imperfect या continuous भी कहते हैं। Imperfect इसलिए कि जब आपने ये कहा कि मैं एक किताब का मुतालिया कर रहा हूँ तो कुछ study आपकी हो गई, कुछ बाकी है, इस वजह से जो हो गया वो perfect, जो नहीं हुआ वो imperfect, इस वजह से इसको कह दिया जाता है कि अभी जारी है। टेंसेज विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स, कुछ टेंसेज ऐसे हैं जिन्हें हम टेंस ऑक्सिलरी वर्ब्स के बगैर ही यूज कर लेते हैं, वो सिर्फ दो ही हैं, एक है सिंपल प्रेजेंट और दूसरा है सिंपल पास्ट, यानी प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट डेफिनेट। इनमें हम हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते, लेकिन कहाँ पे नहीं करते, सिर्फ इनके अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनको कहते हैं वहां पे। नेगेटिव में हम इसको यूज कर रहे होते हैं तो नेगेटिव में भी इसने यूज होना है और इंट्रोगेटिव में भी इसने यूज होना है, इन दोनों में इसने यूज होना है। बहरहाल कि इनके अंदर ये पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट डेफिनेट में और पास्ट डेफिनेट में कि आप विदाउट हेल्पिंग वर्ब इनका कोई सेंटेंस बना सकते हैं, बाकी किसी भी टेंस में आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होती कि आप विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई भी सेंटेंस इनका बना लें। अदर टेंसेस आर फॉर्म्ड यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स, बाकी हर एक में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फॉर एग्जाम्पल बी, हैव और विल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं तीन हेल्पिंग वर्ब्स की, वरना हेल्पिंग वर्ब्स और भी हैं काफी सारे। एस्पेक्ट्स हमने ये पढ़ लिए थे, आज ये देखना है कि पर्सन किसको कहते हैं। आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अब वो देखना है। अ कैटेगरी यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस, पोजेसिव डिटरमिनर्स एंड वर्ब फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे इंडिकेट द स्पीकर, द फर्स्ट पर्सन, The addressee, ये addresses इसने लिख दिया है, ये addresses नहीं है, लास्ट पे जो s है इसकी बजाय e आना है यहाँ पे, the addressee जिसको address किया जाता है, और a third party, third person, या फिर third party है जिसे आप third person कहते हैं। अब देखिए ये हम जब classification करते हैं pronouns की, possessive determiners की, या फिर verb forms की, ये person की वजह से change होती हैं। अब देखें पहली चीज जो इसमें है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में तो सिंपली आप देखें जब आपने कहा आई तो आप फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, जब आपने कहा यू ये सेकंड पर्सन है, और ही कहा तो ये थर्ड पर्सन है। पोजेसिव डिटरमिनर्स में भी पर्सन ने अपना रोल प्ले करना है, आई डू माई वर्क, माई पोजेसिव डिटरमिनर आप यूज कर रहे हैं। डिटरमिनर क्या है, किसी भी नाउन से पहले आके कोई जो वर्ड एडजेक्टिव के अलावा उसको मॉडिफाई करे, उस मॉडिफायर को हम डिटरमिनर कहते हैं। ये डिटरमिनर्स देखें किस तरह बन जाते हैं,
जब नाउंस की बात आती है तो हम कहते हैं कि इसमें नाउन में कुछ प्री मॉडिफायर्स होते हैं, कुछ पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं। देखिए नाउन, नाउन आपने यहां पे यूज कर दिया, अगर नाउन से पहले यहां पे कोई चीज यहां यूज करेंगे ये प्री मॉडिफायर, और जो यहां यूज करेंगे उसे कहते हैं पोस्ट मॉडिफायर। तो जितने भी डिटर्मिनर्स हैं ये सिर्फ प्री मॉडिफायर के तौर पे यूज होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर के तौर पे कोई भी डिटर्मिनर यूज नहीं होता। तो डिटर्मिनर किस तरह यूज होता है कि नाउन है सपोज आपके पास बुक, बुक के साथ आपने ए लगा दिया, अ बुक, तो ये ए जो है ये डिटर्मिनर है। हालांकि एडजेक्टिव्स जितने हैं वो भी प्री मॉडिफायर का काम कर लेते हैं लेकिन वो पोस्ट मॉडिफायर भी होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी हम डिटर्मिनर को पोस्ट मॉडिफायर के तौर पे यूज करें, एक तो ये। दूसरा क्या है कि एडजेक्टिव्स के अंदर क्वालिटी होती है, डिटर्मिनर्स में क्वालिटी नहीं होती। इनमें सिर्फ हम नाउन के बारे में ये बताते हैं कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, या फिर ये उसका नंबर बताएगा या उसकी पोजीशन बताएगा या उसका पोजेशन बताएगा, इस तरह की चीजें आएंगी। एडजेक्टिव की तरह से इनमें क्वालिटी नहीं पाई जाती। तो जो डिटर्मिनर्स हम यूज करते हैं किसी भी नाउन से पहले उनको हम प्री मॉडिफायर कहते हैं। और यहां देखें कि हमने ये कहा कि पोजेसिव डिटर्मिनर्स वो भी यूज हो जाते हैं। पोजेसिव डिटर्मिनर का काम क्या है कि उसने नाउन से पहले आना है और डिटर्मिनर बन के उसको नाउन को डिटर्मिन करना है, पोजेशन भी शो करेगा। ये देखें माय बुक, ये माय आपने एक पोजेसिव डिटर्मिनर यूज किया। अब ये माय पर्सन के साथ भी इसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि अली इज डूइंग हिज वर्क, माय वर्क नहीं हो सकता, तो अली से हमने थर्ड पर्सन का पोजेशन बनाना है और आई से हमने फर्स्ट पर्सन का पोजेशन बनाना है। फर्स्ट पर्सन में जो आप पोजेसिव डिटर्मिनर यूज करेंगे वो माय या आवर, एक का हो तो माय, आई से ज्यादा हो तो हम वी से फिर आवर बना देते हैं। तो ये है पोजेसिव डिटर्मिनर्स। अब जो तीन चीजें इसने लिखी हुई हैं इसमें देखें, एक इसने कहा प्रोनाउंस, यहाँ पे ये प्रोनाउंस वो तो मैंने पहले आपको बताया, जैसे आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन है। फिर पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं, जैसे मैंने माय यूज किया, एंड वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स ने भी पर्सन के साथ चेंज होना है। ये कैसे चेंज हो जाती हैं, जैसे आपने कहा कि आई स्टडी, लेकिन अगर आप इधर प्रोनाउन चेंज, ये पर्सन को चेंज करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन था ऊपर, नीचे थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ हमने स्टडी यूज किया, थर्ड पर्सन के साथ स्टडीज हो जाएगा। ये वर्ब फॉर्म को भी चेंज करते हैं, तो ये काम है पर्सन का। अब देखिए ये पर्सन कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन रिफर्स टू द स्पीकर himself or a group that includes the speaker. अब एक तो है कि कोई आदमी आए कह के कोई बात करता है, आए का मतलब है कि वो एक आदमी अपनी बात कर रहा है बस। जब वो कहता है वी तो इसका मतलब है कि कोई ग्रुप है जिसमें वो खुद भी शामिल है, फिर वो वी यूज कर लेता है। द फर्स्ट पर्सन ऑफ अ वर्ब इज फ्रॉम द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट तो वो खुद ही हो सकता है, करीब तरीन तो उसके वही है, इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट पर्सन है। एंड यूजेस प्रोनाउन सच एज आई मी वी एंड अस। ये है एक्चुअली केसेस कि आपने किसी प्रोनाउन को किस केस में यूज किया, ये केसेस हैं। केसेस आमतौर पे जैसे आप सुनते हैं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस, रूटीन में ये तीन ज्यादा यूज होते हैं। बाकी ये कि इसमें पॉजिटिव केस भी है, जेनेटिव केस भी है, फिर वो अक्यूजेटिव केस, डेटिव केस, ये डिफरेंट केसेस हम इसमें यूज करते हैं। एनीवे अभी हम सिर्फ इतने पे ये देखते हैं कि प्रोनाउन तो था आए, आए से मी कब यूज होगा, आए अगर तो डूअर या बीयर होगा फिर आए, और अगर ये ऑब्जेक्ट बन जाए कि उसमें फिर ये डूअर या बीयर नहीं होगा बल्कि रिसीवर होगा, रिसीव डिपेंड करेगा किसी वर्ब पे या किसी प्रेपोजिशन पे, उस सूरत में इसमें मी हो जाना है। ये देखें कि ये सब्जेक्ट कैसे बनता है कि आपने कहा कि आई स्पीक उर्दू, यहां पे आई ये डूअर है किसी एक्शन का, इस वजह से हमने आई यूज किया। लेकिन अगर ये डूअर ना हो
यानी परफॉर्म ना करे, रिसीव करने पे आ जाए, एक्शन रिसीव करेगा तो उस सूरत में ये आई नहीं रहेगा, फिर इसने ऑब्जेक्टिव केस में चले जाना है। जैसे अली इनवाइटेड मी, अब हम आई नहीं कह सकते यहां पे, क्यों कि आप यहां पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, अब आप ऑब्जेक्ट हो गए, इसको ऑब्जेक्टिव केस कह दिया जाता है। तो इस तरह से आई से मी हुआ है, वी से अस हो जाता है, और अगर आप इसी तरह से कोई पोजेशन शो करेंगे तो उसने जाके पोजेसिव डिटर्मिनर में माय आवर ये शो कर देने हैं। एनीवे चूंकि यहां पे बात है प्रोनाउंस की, प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन से पहले यूज नहीं हो सकते, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, इसलिए माय वगैरह यहाँ पे उसने मेंशन किया भी नहीं है। सेकंड पर्सन रिफर्स टू द स्पीकर्स ऑडियंस। अब ये देखना है कि सेकंड पर्सन जो एक आदमी बात करता है किसके साथ बात करता है और उसको क्या क्या के एड्रेस करता है, उसके लिए ये स्पीकर की ऑडियंस। ऊपर हमने कहा था स्पीकर हिमसेल्फ, स्पीकर जो है ये फर्स्ट पर्सन और स्पीकर के ऑडियंस वो सेकंड पर्सन, स्पीकर खुद फर्स्ट पर्सन और उसके रिसीवर्स सेकंड पर्सन। इट इज डायरेक्टेड एट द रीडर एंड यूजेस द प्रोनाउन यू। ये रीडर होना कोई जरूरी नहीं है, लिसनर भी हो सकता है, अगर आपकी आपकी कम्युनिकेशन ओरल है उस सूरत में रीडर की बात नहीं है, वहां तो हम लिसनर की बात कर रहे होते हैं। तो ये डायरेक्टेड एट द रिसीवर, रिसीवर का वर्ड यहाँ पे ज्यादा अच्छा था कि जो रिसीव करने वाला वो किस तरह भी हो, वो चाहे उसका लिसनर हो या रीडर हो। एंड यूजेस द प्रोनाउन यू, अब जिसके साथ आप बात करते हैं उसे आप यू कह के एड्रेस करते हैं। थर्ड पर्सन रिफर्स टू एवरीबॉडी और एवरीथिंग एल्स एंड यूजेस प्रोनाउंस। स्कूल में आप लोगों को ये बताया जाता था कि जो थर्ड पर्सन है ना वो किसको कहते थे, कहते थे कि एक जो बात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन और जो उसके सामने मौजूद है वो सेकंड पर्सन, और कहते जो मौजूद नहीं वो थर्ड पर्सन। ये तो कोई बात ऐसी नहीं है कि जो मौजूद ना हो। आप दो लोगों के साथ बात करते हैं, मैं कहता हूँ यू आर लिसनिंग टू मी बट ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, मौजूद तो वो भी वहां पे होता है, ही ये नहीं है कि वो मौजूद ना हो। हाँ, उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में असल में देखना है बात कौन कौन कर रहा है, करने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और इसके अलावा हर चीज थर्ड पर्सन, चाहे मौजूद है या नहीं है वो सब थर्ड पर्सन, वो ही शी इट आप उसमें यूज करते हैं। देन थर्ड पर्सन रिफर्स टू एवरीबॉडी और एवरीथिंग एल्स, तो इनके अलावा जो होंगे वो सब थर्ड पर्सन। एंड यूजेस प्रोनाउन सच एज ही हिम शी हर इट दे एंड देम, ये यूज करता है वो थर्ड पर्सन के लिए। जैसे अब उसने कहा कि आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट हिम, कोई जो उसके अलावा होगा, इन दो पर्सन के अलावा वो सब थर्ड पर्सन में है, उसमें ही शी इट दे ये सब शामिल है। फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, the base form of the verb is the word that is normally found in a dictionary. aap dictionary mein agar dekhenge na, dictionary khole meanings check karna chahe to aap dekhenge ki aapko meaning chahiye went ka, aapko went milega hi nahi. kuch dictionaries to show hi nahi karti hai bilkul bhi, kuch kya karti hain wo aise kar deti hain, went likha hoga aage wo likhenge see go, go mein jaake check karein, go mein went main entry nahi hai, इसलिए वो जो बेस फॉर्म है वो है जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं डिक्शनरी में, इसलिए उसने कहा कि डिक्शनरी फर्स्ट फॉर्म देती है। अब देखें इसी तरह से आप ईटन देखना चाहें, ईटन, ईटन नहीं लिखा होगा डिक्शनरी में, उसने फर्स्ट फॉर्म देनी है। द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द वर्ड दैट इज नॉर्मली फाउंड इन अ डिक्शनरी। मेन वर्ब्स हैव अप टू 5 मेन फॉर्म्स, तो आमतौर पर जो मेन वर्ब्स हैं उनकी 5 फॉर्म्स, इसलिए वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको हम अब चेंज कर लें। जैसे हम कहते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, वो रटे भी ऐसे लगाते हैं कि वर्ब की 3 फार्में होती हैं, वो बस स्कूलों का ऐसा रटा हुआ 3 फार्में, ये भी इंग्लिश है, ये कोई नहीं। वर्ब की एटलीस्ट मेन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स, द बेस फॉर्म एंड 4 अदर फॉर्म्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस फॉर्म। इसमें एक बेस फॉर्म है, बाकी उसी में से हम डिराइव करते हैं के पास्ट में उसी वर्ब को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में मॉडिफाई करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए मॉडिफाई करते हैं, और कंटिन्यूस के लिए फिर हम उसको मॉडिफाई करते हैं आईएनजी लगा के। द बेस फॉर्म कैन बी कंबाइंड विद द वर्ड
हाँ, फॉर्म से एक बात और ये याद आई मुझे कि ऐसा ये कॉन्सेप्ट हमारा ये स्ट्रांग हो गया कि अब हमने हर वर्ब की तीन फॉर्म्स बना के छोड़नी, चाहे हो या ना हो। ये भी गलत है। एक तो ये कि वैसे मेन वर्ब की हम कह रहे हैं कि फाइव फॉर्म्स हैं, थ्री नहीं है, लेकिन वो थ्री की वजह से हम हेल्पिंग वर्ब्स की भी तीन तीन फॉर्म्स बनाना शुरू कर हो गए। विल, वुड, वुड, शेल, शुड, शुड, कैन, कुड, कुड, मे, माइट, ये नहीं है फॉर्म्स। ये हर वर्ब की, हर ऑक्सिलरी वर्ब की उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम फॉर्म्स देखें। अब मस्ट है, उसकी कोई फॉर्म ही नहीं है और एक ही है बस। शुड की आगे कोई फॉर्म नहीं है, शुड ही है बस। इस तरह से हम तीन तीन नहीं बनाएंगे, इन वर्ब्स का यूज देखें, वहां से पता चलेगा कितनी फॉर्म्स हैं। द बेस फॉर्म कैन बी कंबाइंड विद अ वर्ड टू। जो बेस फॉर्म होती है उसके साथ अगर हम टू लगा दें, और टू याद रखें, जब बेस फॉर्म के साथ आप टू लगाते हैं तो ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये किसी भी वर्ड को, मैंने आपको ये पहले भी बताया होगा कि अनटिल अनलेस वी हैव यूज्ड इट इन सम कॉन्टेक्स्ट, कोई लेबल ना लगाए कि ये क्या है, कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इससे इसका कोई पता नहीं ये क्या है। इसका पता कब चलेगा कि कॉन्टेक्स्ट में ये क्या मीनिंग दे रहा है, उसमें पता चलेगा। ना देखिए ना कि आप अपनी लैंग्वेज में भी जो वर्ड्स यूज करते हैं उनमें, अब ये उर्दू में अगर आप देखें तो जैसे ये कुर्सी का लफ्ज है ना, कुर्सी, उसमें लोग, ये जो मिस्त्री हजरात हैं उनसे कभी पूछे वो कुर्सी किसको कह रहे होते हैं, कि आप जो ना कि लेवल आपके फर्श का कहाँ पे है, वो उसको कुर्सी बोल रहे होते हैं। अब कुर्सी पूछा जाए कुर्सी क्या होती है, आप कहें जी कुर्सी वो जो जिसपे बैठते हैं, वो कहता नहीं जी वो जो मकानों की होती है। वो तो कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा कि ये क्या है। हर लैंग्वेज में ऐसे ही है, वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में ही हम बता सकते हैं, वैसे कोई पता नहीं होता। देन अब इसमें टू जो है ना, टू को देख के ये डिसाइड नहीं करना कि टू प्रेपोजिशन है। टू दो तरह से यूज होता है। टू अगर प्रेपोजिशन हो तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा, वर्ब कभी नहीं आ सकता टू के बाद अगर टू प्रेपोजिशन हो। लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं, द बेस फॉर्म कैन बी कंबाइंड विद द वर्ड टू, ये टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये टू प्रेपोजिशन नहीं हो सकती। प्रेपोजिशन होती तो नाउन प्रोनाउन यूज होता, वर्ब ना आता। इसको कहते हैं इन्फिनिटिव मार्कर, क्योंकि ये इन्फिनिटिव को मार्क करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसका और कोई काम नहीं है। लाइक टू, टू गो, टू ईट, टू रीड, ये टू जो हर एक में यूज हुआ है इसको प्रेपोजिशन नहीं कह सकते। प्रेपोजिशन कब है, ये देखें, टू स्कूल, ये नाउन हमने यूज किया, टू मी प्रोनाउन यूज किया, टू द शॉप, ये आपने एक नाउन फ्रेज यूज की है। इस तरह तो आप इसको यूज करेंगे, ये प्रेपोजिशंस हैं, ये सारी की सारी प्रेपोजिशंस, क्योंकि इनके बाद नाउन्स आ रहे हैं, या नाउन्स, प्रोनाउन्स या नाउन फ्रेजेस, ये प्रेपोजिशन। लेकिन जिसके बाद वर्ब आ रहा हो वो प्रेपोजिशन नहीं हो सकती, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव मार्कर। ये सिर्फ मार्क कर रहा है कि ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव होता क्या है ये देखना आप। The base form of the verb is the word. Sorry. The base form can be combined with the word to. For example, to jump, to walk, etc. To form the infinitive. The infinitive is constructed from a verb. Banta ye verb se hi hai. Banna isme verb se hai. But acts as another part of speech. Lekin kaam iska verb ke ilawa bhi hai. Verb ke ilawa bhi use ho jata hai. यानी मोस्टली आप इसको देखेंगे तो ये नाउन का काम करेगा, लेकिन सिर्फ नाउन का काम नहीं करता, ये नाउन भी बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है, एडवर्ब भी बन जाता है, और समटाइम्स वर्ब भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस आई लाइक टू रीड, द फ्रेज टू रीड, द इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इज एक्टिंग एज अ नाउन। अब ये देखना है कि ये जो हमने इसे कहा कि आई लाइक टू रीड, टू रीड को ये कह रहा है कि ये यहाँ पे नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये कैसे पता चलता है कि ये नाउन है।
ये कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है? सर ये इस तरह होगा, नाउन आई लाइक टू रीड, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, पढ़ना सर इसमें नाउन आ गया, लेकिन जैसे आई एम रीडिंग तो फिर ये वर्क होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब ये इसका मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जब आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं, उसके लिए क्वेश्चन आप पूछते हैं व्हाट या हु, आप देंगे आई लाइक, अगर यहाँ पर रुक जाए तो क्या क्वेश्चन होगा? मैं पसंद करता हूँ। नहीं, क्या क्वेश्चन पूछेंगे आई लाइक के बाद? आई लाइक व्हाट या हूं में से सर? जी अमीस, सर व्हाट पूछेंगे? व्हाट, देखिए आपने कहा आई लाइक, सुनने वाला कहता व्हाट, वर्ड का आंसर हमने कहा नाउन या प्रोनाउन होता है। यहाँ पे आप जो कुछ भी यूज करेंगे उसे हम नाउन या प्रोनाउन समझेंगे, और जो प्रोनाउन तो ये है ही नहीं है, पहले तो नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। तो आई लाइक व्हाट, टू रीड, तो टू रीड इसमें एक नाउन के तौर पे यूज हुआ है, तो इन्फिनिटिव ये नाउन बन गया। अब ये देखना है कि इन्फिनिटिव होता क्या है, वैसे ये भी तो चेक करना चाहिए। यहाँ पे उसने ये नहीं बताया हुआ, हम इससे पहले ना इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये इन्फिनिटिव और जेरंड और पार्टिसिपल, क्योंकि ये देखें आपके सामने ये ग्रीन में आप देखें बेस फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये पांच फॉर्म्स आपके सामने हैं। अब ये जब हम कहते हैं पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है, जेरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, ये ज़रा चेक करना है। इनको हम कहते हैं वर्बल्स। बेसिकली वर्ब मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो तो वर्ब से ही सारा रिलेटेड है। वर्ब, वर्ब में हम कहते हैं कि कुछ होते हैं फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब, कुछ होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मीनिंग है लिमिटेड और नॉन फाइनाइट अनलिमिटेड। अच्छा, अब लिमिट क्या चीज है इसमें, लिमिट वाली कौन सी बात आ जाती है? अब ये वर्ब्स को गौर करें कि जब आप कहते हैं कि आई स्पोक इंग्लिश, अब ये स्पोक जो आपने यूज किया ये किस टेंस में यूज किया, ये चला गया पास्ट में। अब स्पोक जो आपने पास्ट में यूज किया ये अब प्रेजेंट में यूज नहीं होगा, इसका मतलब लिमिटेड यूज है। ये फाइनाइट वर्ब है जिसको आपने एक टेंस के साथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दिया। तो ये जब भी आप फॉर्म्स यूज कर रहे होते हैं ना, वर्ब की फॉर्म्स, और उनसे आप डिफरेंट टेंसेस बना रहे होते हैं, तो ये आपने उसको लिमिट किया हुआ है। अब लिमिट करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, फाइनाइट वर्ब को कौन सी चीज़ लिमिट कर देती है, ये देखें, लिमिटेड बाय टेंस, पर्सन, नंबर, ये मैं यहीं पे लिखा नंबर, मूड, ये चार चीजें हैं जो किसी वर्ब को लिमिट कर देती हैं। अब लिमिट कैसे होगी, देखिए टेंस कैसे लिमिट करता है, ये मैं यहां से ये दोबारा लिख के आपको शो करता हूँ। नॉन फाइनाइट को हमने अलग से डिस्कस करना है, उसके अपने टाइप्स हैं। फाइनाइट वर्ब्स, आई, स्टडीड इंग्लिश, आई स्टडीड इंग्लिश, चलिए। अब ये जो स्टडीड आपने लिखा है इसको किस चीज ने लिमिट किया,
टेंस ने, आपने पास्ट टेंस यूज कर दिया यहाँ पे। ये वर्ब फॉर्म ने ये बताया कि अब ये लिमिटेड है, हर टेंस के लिए स्टडीड यूज नहीं होगा, ये लिमिटेड यूज है इसका। फिर दूसरी चीज पर्सन, अली स्पीक्स इंग्लिश, इसमें दो चीजें हमने ऐड की हुई है। एक तो स्पीक्स, ये बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट में स्पीक्स यूज नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, अली, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पर्सन हमने यहाँ पे कैसे शो किया, हमने वर्ब फॉर्म के साथ इसको शो किया। इसका मतलब है कि इस थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम स्पीक्स यूज कर रहे हैं, इस वजह से ये हमने एस ऐड किया है, जो ये शो करता है कि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है और थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन के साथ आप स्पीक्स यूज नहीं कर सकते, थर्ड पर्सन के साथ आप यूज कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर होगा तो आप यूज करेंगे। अगर आप इसका नंबर यहाँ पे लिखा नंबर, नंबर चेंज कर दें तो थर्ड पर्सन के होते हुए भी ये आप वर्ब फॉर्म और यूज करेंगे, उसे लिमिट करके यूज करेंगे, ये नहीं कि सब साइज को यूज कर लें। अब अली की बजाय आप थर्ड पर्सन में दे लिख दें, अली सिंगुलर था, दे प्लूरल हो गया, है दोनों थर्ड पर्सन। अब यहां पे दे स्पीक इंग्लिश, पर्सन सेम है लेकिन नंबर चेंज हो गया, यानी सिंगुलर से आपने प्लूरल की बात की। जब सिंगुलर से प्लूरल पे आएंगे उस सूरत में भी आप इसको लिमिट कर रहे हैं। यस तहरीन बेटा, आपने हैंड लोअर कर लिया है या वैसे ही ये विजिबल नहीं है, ये हैंड रेज किया था आपने? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बताइए सर। मैंने पूछना ये था कि अली स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पे तो अली सिंगल है जी, और आगे आपने प्लूरल करने के लिए उसको दे थर्ड पर्सन में कर दिया जी। अगर हम यहीं पे अली एंड असलम कोई भी दूसरा नेम ले लें तो फिर भी स्पीक इंग्लिश आएगा साथ, प्लूरल हो जाएगा ना बेटा। असल में मैंने ये शो किया आपको कि यहाँ पे देखिए हमने थर्ड पर्सन यूज किया हुआ है ना। यस सर। और दे कौन सा पर्सन है, ये भी थर्ड है। यस सर। लेकिन थर्ड में एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, नंबर चेंज करने से भी वर्ब को हम लिमिट कर रहे हैं कि सिंगुलर के लिए और वर्ब है, प्लूरल के लिए और वर्ब है। यस सर। अच्छा जी, ये हो गया नंबर के साथ। अब मूड्स, मूड्स हमने सेंटेंसेस के पढ़े थे कि फाइव मूड्स हैं, जिसमें डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव। ये हमने फाइव मूड्स पढ़े थे। अब वर्ब ने जो है ना किसी मूड के साथ तो यूज हो जाना, दूसरे में वो यूज हो नहीं सकता। ये देखें, आपने इम्पेरेटिव मूड है सपोज, उसमें आप कहते हैं कि लुक एट दिस बुक। अब ये जो लुक है ये इम्पेरेटिव में तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट डेफिनेट में यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी स्टेटमेंट में आप इसको ऐसा यूज करना चाहें वो यूज नहीं होगा। अब ये असल में आपने फर्स्ट फॉर्म से ही सेंटेंस स्टार्ट किया हुआ, बेस फॉर्म से। अब बेस फॉर्म इसको भी आपने लिमिटेड यूज है इसका कि इम्पेरेटिव टेंस, इम्पेरेटिव मूड में तो यूज हो जाएगा ये, बाकी मूड्स में इसने यूज नहीं होना इस तरह से। तो ये फाइनाइट वर्ब्स। अब देखना कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए दूसरा वर्ड जो हम यूज करते हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्बल्स। ये वर्बल्स हैं। अब वर्बल्स हैं क्या, कि वो वर्ड्स हैं जो बने तो वर्ब से हैं लेकिन इनके फंक्शंस वर्ब के अलावा बहुत सारे हैं, वो कौन कौन से वो देखें। यस,
सर जो सर ये आपने मोड का बताया, ये दफा दोबारा कर बता दें। मोड बेटा हमने काफी देर पहले का पढ़ा हुआ, तो फर्स्ट चैप्टर में था, मतलब बुक में नहीं। जो नहीं अभी जो सा आपने मोड का यूज बताया ना, इसमें फिनाइट वर्ब वो इंपेरेटिव मोड। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में हम देखें कि हर इंपेरेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ऐसे है ना जी। इंपेरेटिव मोड में सेकंड थर्ड फॉर्म्स यूज ही नहीं हो सकती, इसका मतलब लिमिटेड यूज हो गया ना ये भी। तो ये सर सिर्फ ये इंपेरेटिव मोड में इस्तेमाल होगा। हां जी, ये इंपेरेटिव में ही है, ये बाकी में इसका यूज नहीं होता, और बाकी जो वर्ब फॉर्म्स है इंपेरेटिव में यूज नहीं हो सकती, इसका मतलब लिमिटेड यूज हो गया ये भी। ठीक है सर जी। अच्छा जी, फिर है वर्बल्स। वर्बल्स होते क्या है, इनके अंदर जैसे हमने ना फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट को हमने कहा वर्बल्स। वर्बल्स यानी वो वर्ड्स जो वर्ब से बनते हैं, बनेंगे वर्ब से। अब इनके फंक्शंस क्या है, वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं, इनकी टाइप्स हैं अपनी वर्बल्स में। नंबर वन, इन्फिनिटिव। नंबर टू, जेरंड। नंबर थ्री, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इसमें फर्स्ट देखना है, इन्फिनिटिव जो बुक में हमारा टॉपिक चल रहा था वो है इन्फिनिटिव। इन्फिनेटिव इसने कहा कि इसको हम नाउन के तौर पे यूज करते हैं, कि नाउन का काम ये कर जाता है। किस तरह से, वही जो व्हाट और हु जब हम पूछेंगे उसका आंसर इन्फिनेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये नाउन के तौर पे यूज होगा। जैसे आई, ये बुक वाली एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। आई लाइक के बाद आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट, वर्ड का आंसर है टू रीड, तो इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटिव आपने एज अ नाउन यूज किया हुआ है, यानी आई लाइक व्हाट, ये ऐसी है जैसा आई लाइक अ बुक, आई लाइक दिस चेयर, आई लाइक दैट टेबल, ये जैसे टेबल चेयर के साथ मॉडिफाइज यूज करके आप नाउन की जगह पे उन्हें यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक नाउन की जगह पे आपने इसको यूज किया, आई लाइक टू रीड। अच्छा, अब एक और एग्जांपल और देख लें। अली, वांट्स टू प्ले। यहां पे टू प्ले ये भी नाउन की जगह पे आपने यूज किया। आपकी बुक ने तो यहां तक ही यूज किया। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये इन्फिनिटिव एडजेक्टिव कैसे बनता है और एडवर्ब कैसे बनता है और वर्ब के तौर पे कैसे यूज हो जाता है। अगर चाहें तो ठीक है, हैंड रेज करें, अगर नहीं है तो बस ठीक है, जितना बुक में है फिर उतना ही काफी है। ये हैंड्स काफी सारे रेज हुए लेकिन अनम्यूट तो कोई भी नहीं हो रहा इनमें से। करा दे सर जी, करवा दे। हाँ जी, चलिए बाकी क्या कह रहे हैं, ये जुनेद से पूछ रहे हैं। पता नहीं वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है या हमारी तरफ से, एक बार यहाँ कुछ पता नहीं। गिफ्ट लिया
अच्छा ये देखें फिर यहाँ पे इन्फिनेटिव को हमने एज अ नाउन यूज किया है। नाउन का कैसे पता चलता है कि ये व्हाट और हु का जहाँ पे आप आंसर देते हैं वो नाउन बन जाता है। इसी तरह से आपको याद होगा कि विच का हमने कहा था जहाँ विच पूछेंगे वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और जहाँ पे आप हाउ व्हेन वेयर व्हाई वगैरह पूछते हैं वो एडवर्ब्स बन जाते हैं। तो ये तो हो गया इन्फिनेटिव एज अ नाउन आपने यूज किया। और एग्जांपल्स देखें फिर आप देखते हैं इसको हम एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे। माय ड्रीम टू बिकम अ क्रिकेटर कुड नॉट बी रियलाइज्ड, यानी मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ। तो इसमें आपका ये कहना कि माय ड्रीम टू बिकम, ये साथ जो आपने इन्फिनिटिव यूज किया ये यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव विच का चूंकि आपने इसमें आंसर दिया, एक और इसकी एग्जांपल लिख देता हूं। Ali's demand to stay was not accepted. Which demand to stay, ये दोनों में आपने infinitive को as adjectives यहां पे आपने use किया। अब देखिए इसको as an adverb कैसे use करेंगे आप। We walked fast to reach in time. We walked fast We walked fast. Why? To reach in time. To reach यहाँ पे आपने adverb use किया। तो ये जो दो sentences आपने use किए हुए हैं end वाले, इनमें देखें कि आपने एक ही बल्कि पहले तो आपने adjective use किया my dream to become, ये which का answer था तो ये adjective बना, और Ali's demand
टू ये भी एडजेक्टिव और वी वॉक्ड फास्ट वाई का आंसर एडवर्ब और एक है कि इसको एज अ वर्ब भी यूज कर लिया जाता है जब इसके बाद भी एडवर्ब आ जाए उसको वो भी लिख देता हूं अब एक टॉपिक चल तो रहा ही है असलम wanted Aslam wanted to walk fast ye fast parts of speech mein kya hai तो जब आपने ये कहा कि असलम वांटेड अब फास्ट जो है वो वांटेड के लिए यूज नहीं हुआ वो तो टू वॉक के लिए यूज किया आपने तो अगर ये फास्ट एडवर्ब है तो एडवर्ब टू वॉक किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे तो ये टू वॉक यहाँ पे हमने एज एन एडवर्ब यूज किया और अगर हम ये समझें कि वॉन्टेड वॉट और वॉट के बाद हमें लगा दिया टू वॉक तो अगर ये टू वॉक को हम नाउन कहेंगे तो फास्ट यूज नहीं हो सकता फर्स्ट एडवर्ब है नाउन का मॉडिफायर कभी भी एडवर्ब नहीं होता इसलिए इसको वर्ब मानना पड़ेगा फिर कि यहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज हुआ है और उसके साथ उसका एडवर्ब एनीवे ये हो गए हमारे जो इन्फिनिटिव के यूज इसके बाद है जेरंड जेरंड क्या चीज है सेकंड इसमें वालेकुम अस्सलाम यस सर ये आपने इसमें एडजेक्टिव में कहा कि यहाँ पे विच पूछा जाएगा टू के बाद जो भी वर्ड आएगा उसके बाद किसके बाद एग्जांपल में किसके बाद आपने भी लिखा है ना माय ड्रीम टू बिकम ये वाली एग्जांपल लिखवाई तो आपने कहा इसमें विच पूछा जाएगा कहाँ पे जाके पूछा जाएगा तो अगर टू बिकम के बाद अगर वो स्टॉप हो जाता है तो यहाँ पे तो व्हाट भी आ सकता है नहीं आप ये नहीं समझे कि ये वो यूज हुआ किसके लिए है पहली बात तो ये देखनी होती है ना जब भी किसी सेंटेंस में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटरमिन करते हैं तो उससे पहले ये देखा करें कि ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है अब यहाँ पे ये वर्ड्स देखें आपके सामने होंगे जी किस वाले वर्ड की बात कर रहे हैं आप सही माय ड्रीम टू बिकम अ क्रिकेटर जी अब देखें माय ड्रीम अब ड्रीम के बाद देखें आप व्हाट कैसे कह सकते हैं क्योंकि आपने जहाँ कहा ना माय ड्रीम ये तो आपने नाउन यूज किया हुआ है यहाँ वर्ब होता फिर आप व्हाट पूछ सकते थे वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है इस वजह से व्हाट हो सकता है यहाँ तो व्हाट बनते ही नहीं माय ड्रीम व्हाट क्या होता है मतलब व्हाट के मारे आगे से ये पूछा गया है तो ये व्हाट नहीं यहाँ पे विच ही है माय ड्रीम विच ड्रीम
विच उसका आंसर है टू बिकम, ठीक है जी। हाँ जी अब देखिए जेरंड वर्बल्स में सेकंड हमने लिखा था जेरंड। जेरंड क्या चीज है जिसका, हाँ इन्फिनिटिव में एक चीज बाकी है अभी वो भी करें क्योंकि तो अगर बात हम कर ही रहे हैं तो पूरी बात हो जाए तो अच्छा है। इन्फिनिटिव के यूज पे हम चले गए। इन्फिनिटिव जो है ना इसकी टाइप्स हैं दो, यस उस्मान नथिंग, सर जो सी आपने ये लास्ट एग्जांपल कराई असलम वाली, इसमें भी ये विच का आंसर देगा? कौन सी वाली असलम वांटेड जी, विच कैसे पूछेंगे आप? सर ये इसका मुझे पता नहीं चला है इसमें आप क्वेश्चन क्या करना है, जैसे आपने पहले बताया ना कि हमने जैसे पहले एक्चुअली वांट के बाद तो हम व्हाट ही पूछते हैं कि असलम वांटेड व्हाट, वो तो टू वर्क हो जाएगा, लेकिन आगे जो फास्ट है, जो फास्ट है एडवर्ब, एडवर्ब सिर्फ यहाँ पे किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है इस सेंटेंस में, ना हमारे पास कोई एडजेक्टिव है ना कोई एडवर्ब है फास्ट के अलावा, तो टू वर्क को फिर हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब कंसिडर कर सकते हैं कि उसके लिए हमने एडवर्ब यूज किया हुआ है। अगर टू वर्क को हम नाउन कहेंगे तो नाउन का मॉडिफायर कभी भी एडवर्ब नहीं होता, एडवर्ब वर्ब को एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। Got it? सर मैंने मेरा क्वेश्चन था कि इसमें हमने किस क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे पहले था ना एक हमने दो एग्जांपल विच की और एक वाई की, हाँ जी, और इसमें क्या होगा? वर्ब जो होता है ना वर्ब के बारे में व्हाट विच नहीं रहते, होते ही व्हाट की तरह से है लेकिन व्हाट फिर वो नाउन के साथ कंफ्यूज्ड हो जाएगा, इसलिए जो वर्ब्स है ना उनको आप छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखें अगर व्हाट होगा तो नाउन, विच होगा तो एडजेक्टिव, ये नहीं होंगे तो ये जो है ना बाकी क्वेश्चंस हाउ व्हेन वेयर व्हाई वो एडवर्ब में, और जो इन क्वेश्चंस में नहीं आते वो उसको वर्ब। ठीक है सर जी, अनम्यूट कर लेंगे आपने आपको, अब म्यूट, सॉरी अनम्यूट से पहले ही हो गए थे। सर मैंने पूछना था कि फिर हम यहाँ वांटेड टू वर्क पूरे को हम वर्ब गिनेंगे? किसको वांटेड वांट टू वर्क पूरे को वर्क गिनेंगे? ये फास्ट हमने किसके लिए यूज किया, वांट के लिए या टू वर्क के लिए? टू वर्क के लिए, बस इतने को समझेंगे। फिर वांटेड को हम क्या कहेंगे? वांटेड भी वर्ब है लेकिन हम जिसके लिए एडवर्ब यूज कर रहे हैं वो वांट नहीं है, वांट भी वर्ब है नेक्स्ट भी वर्ब है लेकिन फास्ट हम सिर्फ टू वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, वांटेड टू वर्क के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। यहां दोनों वर्ब्स हाँ जी, इन्फिनिटिव की टाइप्स यहाँ पे देखनी थी, इसकी टाइप्स क्या है? एक है सिंपल, सिंपल इन्फिनिटिव, इसको सिंपल भी कहते हैं फुल इन्फिनिटिव भी कहते हैं, इसकी अपेयरेंस है टू प्लस वी वन, और दूसरा है बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव में हम टू यूज नहीं करते, इसमें सिर्फ वी वन जिसको बेस फॉर्म कहा जाता है, ऊपर भी जहां वी वन लिखा उसे भी हम बेस फॉर्म ही कहेंगे लेकिन उसमें टू ऐड होगा, इसमें नहीं होगा, बेयर इन्फिनिटिव ये सिर्फ बेस फॉर्म है। ये कैसे यूज होती है? क्योंकि जब हम कहते हैं इन्फिनिटिव, ये वर्बल्स जितने भी है ना इन्हें हमने कहा है कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब वो है जिसमें हम चीजों को वर्ब्स को ऐसा यूज करते हैं कि उन्हें को टेंस पर्सन मूड नंबर लिमिट कर दे, ये वो है जिन्हें को लिमिट नहीं कर सकता। इसलिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, सपोज आपने स्विम है वर्ब स्विम, आपने आईएनजी लगा के इसे स्विमिंग कर दिया, स्विमिंग, अब आप इसको नाउन के तौर पे यूज कर लें कि स्विमिंग इज माय हॉबी, अब आप किसी टेंस में चले जाएं किसी पर्सन में चले जाएं किसी नंबर को यूज कर लें कोई मूड यूज कर लें, स्विमिंग या स्विमिंग ही रहना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते।
और हर टेंस में आप यूज कर सकते हैं, हर पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं, इसमें वही रहना है। बाकी जो हमने पीछे किए थे फाइनाइट, वो चेंज होते थे टेंस पर्सन मूड नंबर के साथ, ये नहीं होंगे। तो बेर इन्फिनेटिव की मैं एक आध एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ ताकि ये भी पता चल जाए कि ये किस तरह यूज होते हैं। आप कहते हैं कि अली मेड अस लाफ, इसके साथ हम टू यूज नहीं करते। ये जो मेक के बाद वर्ब्स आते हैं इनमें हम बेर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, अली मेड अस लाफ। एक्टिव वॉइस में हम टू यूज नहीं करते, पैसिव वॉइस होगा तो इसमें भी टू यूज हो जाएगा, जैसे वी वर मेड टू लाफ। लेकिन एक्टिव वॉइस में मेक के बाद आप बेर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, अली मेड अस लाफ। इसी तरह से द जगलर, जगलर मदारी मेड द किड्स क्लैप, तो तालियां बजाएं। ये कॉजिटिव वर्ब इसको कहा जाता है, जो किसी से काम करवाया जाता है, खुद नहीं करते, कि जगलर ने खुद नहीं क्लैप करना, बच्चों को कॉज किया कि वो क्लैप करें। इस तरह से लेट अली स्लीप, अली को सोने दो, टू स्लीप नहीं, ये बेर इन्फिनिटिव है जो हम यूज कर रहे हैं। जैरन फिर कल इंशाल्लाह, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके देन, सी यू इन बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास। अस्सलाम वालेकुम।